मेरे पीठ पर चांदड़े का दाग है ना, इसलिए देखो। माँ, पीठ पर चांदड़े का दाग क्या बहुत मनहूस होता है? हाँ, बहुत मनहूस होता है, लेकिन तुझे क्या लेना देना? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तू ऐसे नहीं पूछने वाला, जरूर कोई बात है। अरे, ये लड़का फिर भाग गया। कृष्णा, नहीं नहीं, चोरिया को से नहीं देखना, अच्छी तरह आंखें बंद करो। लो बाबा, बंद कर ली, अब आंखें खोलो। अरे, तुमने अपना बाजू जला लिया? हाँ, अब तुम भी मनुष्य और मैं भी मनुष्य, अब तो हमारी शादी हो सकती है ना? कीर्ति, कीर्ति, इधर आओ, ले जाओ इसे। की औलाद, तेरी ये जुर्रत कितनी बार मना करने के बावजूद भी तू ठाकुर घराने की लड़की के साथ खेले? नहीं, मुझे मत मार, मुझ पे दया कर। नहीं, मुझे मत मारो, नहीं, मुझे मत मार, तुम मत, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं, मेरे कृष्णा को कुछ हो गया है, 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 कृष्णा। सुगंधम पुष्टि भद्रम मूर्वारुक्मे बंधना मुक्तिर्मोक्षेर मामृता स्वाहा। मैं कहाँ हूँ? आश्चर्य मत करो बालक, तुम ईश्वर की शरण में। लेकिन मैं तो नदी में डूब गया था। तुम डूबे थे एक नया जीवन शुरू करने के लिए, और वही तुम्हारा भाग्य है। भाग्य? हाँ। मेरा भाग्य क्या है? उसका ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। आज से तुम्हारा नाम कृष्णा नहीं, योगी दत्त है, और मैं तुम्हारा गुरु हूँ। खोलो साधु, तुम्हारी तपस्या पूरी हो चुकी है, तुम्हें महान शक्तियों की प्राप्ति हुई है, तुम्हारी इच्छा बिना तुम्हें मौत भी नहीं छू सकती। अब तुम संसार में वापस जाओ बालक, तीन दुखियों की सेवा करो, अज्ञानियों को ज्ञान दो, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन ये संसार काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से भरा हुआ एक दलदल है, तुम इस दलदल में वैसे ही रहना जैसे कीचड़ में कमल का फूल रहता है। गुरु यशस्वी भवा, तेजस्वी भवा, विजयी भवा। Oh,
के मुताबिक हो गया? यस मास्टर। ये बैग उस टेबल पर रख दो और शंकर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हो जाओ। यस मास्टर। सबन की आग में क्या तुम्हें भी वही नजर आ रहा है जो मैं देख रहा हूं? यस मास्टर। एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की। कुछ याद आया? कुछ नहीं। पलट जाओ। Thank you.
मेरी तरफ पलट जाओ। मेरी आंखों में देखो, तुम आइंदा भी वही करोगी जैसा मैं तुम्हें हुक्म दूंगा। यस मास्टर। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? यस मास्टर। नहीं, प्यार एक मृग तृष्णा है, जितना भी इसके पीछे भागोगी ये उतना ही दूर नजर आएगा। इस पे मकसद तलाश का अंत सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। यस मास्टर। तुम अपनी इस दौलत के साथ मौत की चट्टान तक पहुंचोगी। यस मास्टर। उस चट्टान से तुम नीचे कूद जाओगी। यस मास्टर। और पानी की लहरें तुम्हें अपनी आगोश में समेट लेंगी। वही तुम्हारा स्वर्ग है, वही तुम्हारी मुक्ति है। यस मास्टर। जाओ जाओ।
the side. इरादा तो तुम्हें देख के कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जरा लाइसेंस। लाइसेंस? लाइसेंस माय फुट। अपनी मोटरसाइकिल रास्ते से हटाइए। जानते हो मैं कौन हूँ? स्वीटी पाई, तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। जरूर किसी रईस बाप की बिगड़ी हुई एकलौती बेटी। हाउ डेयर यू। लाइसेंस? तुम कौन होते हो लाइसेंस पूछने वाले? स्वीटी पाई, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। लाइसेंस? यू आर वेस्टिंग माई टाइम। रास्ता ना पाओ ना अंदर करवा दूंगी। स्वीट हार्ट, मुझे भी इसी बात का इंतजार है। चलिए चलिए चलिए। इंस्पेक्टर साहब, इस बदमाश को आप फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। केस जोर में। इसने मेरी गाड़ी रोकी, मेरी बेइज्जती की। मैं इस पे केस करूंगी, हतक इज्जत का दावा करूंगी। ए लड़की, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें पुलिस स्टेशन कौन? मैं लाई। मैं लाया? झूठ मत बोलो। पको मत। ए मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज, ये पुलिस स्टेशन है। हवलदार? यस सर। टेक इट इजी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, आप इस लड़की को तीन चार्जेस में बुक कीजिए। नंबर वन, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना। नंबर टू, स्पीड लिमिट को तोड़ना। और नंबर थ्री, एक पुलिस ऑफिसर को रास्ता देने के बजाय उसकी बेइज्जती करना। देखिए देखिए प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए। मैं तो सिर्फ पिकनिक पर जा रही थी, यूं ही शरारत कर बैठी। आप मुझे फाइन ले लीजिए। लेकिन मुझे साहब, आप जैसे अमीरों के लिए फाइन कोई माने नहीं रखता। अलबत्त आप कुछ बेहतर लहजे में बात कर रही हैं। आप इसी लहजे में बैठ के अपना माफीनामा लिखिए तो शायद आप जा सकेंगे। इंस्पेक्टर, कागज पेंसिल। तशरीफ रखिए। लिखिए। आपका नाम? आरती ठाकुर। लिखिए। उम्र? 20 साल। लिखिए लिखिए। पता भी लिखिए। संजीव विलेपाले जुहू। अब लिखिए। मैं जिंदगी में कभी इस किस्म की हरकत। लिखिए मैम साहब, हवालात से बचने का यही एक तरीका है। चलिए लिखिए। मैं जिंदगी में कभी इस किस्म की हरकत दोबारा नहीं करूंगी। दस्तखत। अब मैं जा सकती हूँ? शौक से। सुनिए, अब क्या है? आपको याद तो होगा कि मेरी मोटरसाइकिल शहर से 16 मील दूर धूप में सूख रही है। आप मुझे लिफ्ट देंगी? चलिए। सफर को खुशगवार बनाने के लिए कुछ बातचीत हो जाए। मुझे खामोशी ज्यादा पसंद है। थोड़ी देर पहले तो कैंची की तरह जबान चला रही थी। ऑफिसर, ये पुलिस स्टेशन नहीं। बेहतर होगा अपनी हद में रहो। पुलिस की नौकरी भी बड़ी अजीब है। आप जैसी खूबसूरत लड़की के साथ दोस्ती के बजाय दुश्मनी मोल ले ली। खैर, अब इंसानियत के नाते हमारा नाम तो पूछ लीजिए। मुझे आपके नाम में कोई दिलचस्पी नहीं। फिर किस चीज में दिलचस्पी है आपको? उफ़ो, तुम जैसा बोर आदमी मैंने जिंदगी में अभी तक नहीं देखा। बोर? लगता है आपका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है। यू आर इम्पॉसिबल। गाड़ी से उतरिए। गाड़ी से उतरिए? क्या मतलब? मतलब साफ है, गाड़ी से उतरिए। वो रहा मोटरसाइकिल। ओ मोटरसाइकिल। दोबारा मुलाकात की उम्मीद? मुलाकात? माय फुट, दोबारा गाड़ी रोकने की कोशिश करना, अगर नीचे ना ले लिया तो मेरा नाम नहीं।
लगा दी तुमने। क्या करूं यार, रास्ते में एक अड़ियल पुलिस अफसर से पाला पड़ गया था। इस बार तो माफ कर दिया, लेकिन दोबारा अगर टकर जाए तो उसकी सारी अफसरी निकाल दूंगी। बंदे को याद किया तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ भी चले आए? मैं आपके पीछे पीछे यहाँ तक आया हूँ या आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आई हैं? मैं और आपके पीछे पीछे, कभी आपने अपना चौकटा देखा है? कमाल है, इसी चौकटे पे सारे शहर की लड़कियाँ मरती हैं और एक तुम हो जो इसे अभी तक पहचान नहीं पाई। मजा आ गया, चोट बराबर की है। आती, आखिर तुम्हें भी कोई नीचा दिखाने वाला मिल ही गया। ये और मुझे नीचा दिखाएगा? मैम साहब, बुजुर्गों ने कहा है कि जो ऊंचा बोलता है उसका सर हमेशा नीचा होता है। कोई हो जाए शर्त? हो जाए, जो हारेगा वो समंदर में कूदकर उस खाड़ी को पार करेगा। हमें मंजूर है। लड़की काहे की बनी, लड़की काहे की बनी, बोलो काहे की बनी, लड़की काहे की बनी, फूलों की, बहारों की, मक्खन की, हाँ शक्कर की। झूठ, बिल्कुल झूठ, ना फूलों की बनी, ना शक्कर की बनी, लड़की पत्थर की बनी, लड़की पत्थर की बनी, लड़की पत्थर की बनी, लड़का काहे का बना, इरादों का, फौलादों का, हिम्मत का, भरोसे का, बंदर, बिल्कुल बंदर, ना हिम्मत का बना, ना भरोसे का बना, लड़का धोखे का बना, लड़का धोखे का बना, लड़का धोखे का बना। वो कैसे जरा बताओ तो? रुसवाई करता है, हाथापाई करता है, तारीफ कर रहे हैं सोनियो, ऐसी तो लड़की होती है। किस तरह? इस तरह, दिल तोड़ देती है, मुख मोड़ लेती है, कुछ दूर साथ चलती है, फिर छोड़ देती है, हाँ फिर छोड़ देती है, हाँ फिर छोड़ देती है, जब चाहे ठुकरा दे, मंजिल से भटका दे, दौलत वाला मिले तो दिल वाले को लटका दे, दिल वाले को लटका दे, दिल वाले को लटका दे, आहों से ना पिघले, संगे मरमर की बनी, लड़की पत्थर की बनी, ओ लड़की पत्थर की बनी, ओ लड़की पत्थर की बनी। अभी बतलाते हैं, दिल कुछ ऐसा फिसला है, गिर के फिर नहीं संभला है, अरे औरत के कारण बाबा आदम जन्नत से निकला है, फिर भी तुम पे मरता है, तुम्हारा ही दम भरता है, खुदा का कहना टाल के तुमने कहा वो करता है, तुम्हारा कहा वो करता है, तुम्हारा कहा वो करता है, किस मुंह से कहती हो लड़का धोखे का बना, ये तो हिम्मत का बना, ये तो हिम्मत का बना, ये भरोसे का बना, ये औलादों का बना, ये इरादों का बना, ये औलादों का बना, ये इरादों का बना। क्या तो है?
कर दी सिट्टी गुम। क्या नजारा है, आइए शौक फरमाइए, देर किस बात की, आइए आइए। लड़के की मौत पानी में डूबने से हुई है। कोई जोर या कोई जबरदस्ती? बिल्कुल नहीं, ये केस खुदकुशी का है। सिर्फ लड़के की पीठ पर दागने का एक निशान है। क्या मैं इस निशान को देख सकता हूँ डॉक्टर? ओह श्योर। तो मीना आपकी इकलौती बेटी थी? जी हाँ, जिगर का खून देकर पाला था उसे। कितने की चोरी हुई आपके यहाँ? जी कोई 3 लाख के करीब। कोई ज्वेलरी? ज्वेलरी हम घर पर नहीं रखते। आपका कोई ऐसा रिश्तेदार जिसकी नजर इस दौलत पे हो? मेरे तमाम रिश्तेदार लखपति और करोड़पति हैं। आपका कोई दुश्मन? नहीं एसपी साहब, मैंने जिंदगी में सिर्फ दोस्त बनाए हैं। मीना की जिंदगी में कोई लड़का था, मेरा मतलब बॉयफ्रेंड या कोई लव अफेयर? जी नहीं, चंद दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। माँ जी, रुपए पैसे से आप हाथ तो तंग नहीं रखते थे उसका? बेटा, रुपए पैसे से हम उसका हाथ तंग क्यों रखते, सभी कुछ तो उसका था। जमीन जायदाद को आग लगा देती, पैसे को कुएं में फेंक देती, लेकिन अपनी जान तो न लेती। बेटी तूने क्यों किया बेटी? सावित्री सबसे काम लीजिए माँ जी, मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी बेटी के पीठ पर किसी किस्म का दाग था? दूध जैसा बदन था मेरी बेटी का। बेटा, तुम तो पुलिस ऑफिसर हो, हजारों केसों की तफ्तीश करते हो, बताओ मेरी बेटी ने खुदकुशी क्यों की? हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं माँ जी, जो ही कुछ पता चला मैं आपको खबर दे दूंगा। सर, मीना की खुदकुशी महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकती, इसमें जरूर किसी खतरनाक इंसान का हाथ है। मिस्टर राजेश, तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? सिंपल है जी साहब, पिछले 1 साल में दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में 5 केस इसी किस्म के हो चुके हैं। हर एक केस में लड़की कुंवारी थी, हर एक केस में लड़की अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी, हर एक केस में लड़की ने खुद अपने घर में चोरी की और पानी में डूब गई। अभी तक किसी चोरी का माल बरामद हुआ? नो सर, लेकिन हर एक केस के सिलसिले में एक बात बहुत गौरतलब है, हर एक लड़की के पीठ पे जो आग से दागा हुआ निशान है वो एक जैसा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि हर कत्ल के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। बेटी को कौन सा रोग लग गया डॉक्टर साहब? आपकी बेटी के दिमाग में पानी का डर बैठ गया है, आप इसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। ठाकुर साहब, मैं फिर
में कभी हाजिर होऊंगा। ले दे के अकेली जान है ठाकुर साहब, माँ बाप बहुत कुछ छोड़कर गए हैं, रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं। बेटे जब इतने अच्छे खाते पीते खानदान के हो तो फिर ये खतरे वाली नौकरी क्यों कर ली? यूं समझ लीजिए कुछ शौक है, और वैसे खानदानी पेशा भी था। मेरे वालिद साहब आईजी पुलिस थे। आईजी पुलिस? जी हाँ। क्या नाम उनका? दीवान करमचंद। अरे तुम दीवान करमचंद के बेटे हो, उनसे तो मेरी बड़ी अच्छी जान पहचान थी। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या खास ठीक हो, सारा दिन घर पर अकेली पड़ी रहती हो, डॉक्टर के हजार समझाने पर भी कहीं घूमने फिरने का नाम तक नहीं लेती। ठाकुर साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैंने बाहर ले जाऊं। लेकिन वो... बेटी इसमें हर्ज भी क्या है, जाओ बाहर घूम फिरा हो तभी बैल जाएगी। चलिए। हाँ जाओ जाओ। आपके गुमसुम रहने से हर शय पे उदासी छाई है, ये बहार आपके होठों से हंसी साल पहले भी एक हठयोगी ने पानी पर चलने की कोशिश की थी लेकिन वो डूब गया था। अरे भाई ये कोई स्वामी वामी नहीं, ये कोई फ्रॉड है, आज तक कोई पानी पर चला जाए ये चलेगा। अरे गुरु ये चप्पलें किसके लिए लाए हो? ये उस योगी महाराज के लिए हैं कि उधर वो पानी में डूबा और इधर चप्पलों की बारिश शुरू। सुन चले, ये अंडे और ये टमाटे योगी महाराज के स्वागत के लिए हैं बेटा। मेरा दिल कहता है कि योगी पानी पर जरूर चलेगा और मेरा दिमाग कहता है कि योगी पानी पर नहीं चलेगा। भला इस साइंस के जमाने में ये किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं महान तांत्रिक योगी दत्त की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ और उसके साथ आपको ये सूचना देता हूँ कि थोड़े समय में योगी दत्त अपने वचनानुसार आपके सामने आएंगे और पानी पे चलने का करिश्मा पेश करेंगे। तुम देखना, तुम योगी दस से मिलते ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसे इसके दिमाग में पानी का डर बैठ गया। पानी का डर? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो कन्या, शांति शांति। सज्जनों, किसी कारण इस कन्या के दिमाग में पानी का डर बैठ गया है।
गुरु की कृपा और ईश्वर की दया से थोड़ी देर में ये डर इसके दिमाग से जाता रहेगा। कन्या, बिना किसी झिझक के उस डाइविंग बोर्ड पर चली जाओ, ये मेरी आज्ञा है, जाओ। लड़की डूब गई। अरे योगी महाराज को खुद डूबना था, लड़की डूबा दी। कन्या ऊपर आ जाओ। अपनी सहेली को, अब ये पानी से कभी नहीं डरेंगी। मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? आपकी सहेली का ठीक हो जाना ही मेरा सबसे बड़ा सिला है। अब आप जाइए और अपनी जगह पे बैठ जाइए और पानी पे चलने का प्रदर्शन देखिए। अबे कौन क्या दिला रहा है, थोड़ी देर में सारे धुल जाएगा। मेरा तन मन सब आपका है। राजेश, राजेश, राजेश,
सच्चा है, सच्चा
सब काम मेरे हुक्म के मुताबिक हो गया? यस मास्टर। ये बैग उस टेबल पर रख दो और शंकर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हो जाओ। यस मास्टर। इस हवन की आग में क्या तुम्हें भी वही नजर आ रहा है जो मैं देख रहा हूं? यस मास्टर। एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की। कुछ याद आया? कुछ नहीं। पलट जाओ। यकीनन अलका आपकी इकलौती बेटी होगी। जी। आपने अलका को आखिरी बार कब देखा? कल रात डिनर पर। कल रात तो न्यू ईयर ईव थी, वो अपनी किसी सहेली या दोस्त के साथ डिनर डांस पे नहीं गई? जी नहीं, ले देकर उसकी एक ही सहेली थी, आरती ठाकुर। वो भी शायद अपने किसी दोस्त के साथ बाहर गई हुई थी, इसलिए अलका ने घर पर ठहरना ही मुनासिब समझा। चोरी के जेवरात के फोटोग्राफ्स तो होंगे आपके पास? जी हाँ, अभी पेश करता हूँ। सॉरी टू हैव बॉदर्ड यू मिस्टर कपूर, गुड नाइट। राजेश, मैं खाम खा सिनेमा की टिकटें बुक करवाकर पागलों की तरह टहलती रही। अब तुम भी लेट आ रहे हो और अलका भी नहीं आई। अलका अब कभी नहीं आएगी। क्या मतलब? वो इस दुनिया से जा चुकी है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ आरती, उसकी मौत भी उन्हीं हालात में हुई जैसे मीना की हुई थी। लेकिन लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। कल तक तो वो अच्छी भली थी, खुश थी मुझसे। टेलीफोन पे कितनी बातें की थी उसने। क्या बातें की उसने तुमसे? अपने बारे में, अपने प्यार मोहब्बत के बारे में। और राजेश, ऐसा क्यों हो रहा है राजेश? पहले मेरी एक सहेली गई, अब दूसरी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखे हाथ मेरे गले तक पहुंचना चाहते हैं। राजेश, पागल हो गई हो? मेरे जीते जीत में कुछ नहीं हो सकता। आरती, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि अलका किससे प्यार करती थी। योगी दत्त से। वही योगी दत्त जिसने तुम्हारे दिमाग से पानी का डर निकाला था? हाँ। शिवाय।
मेरी तलाश में आए हो? यकीनन योगीराज, वरना इतनी रात को जीते जी शमशान घाट में कोई नहीं आता। ये अपने आप को जमीन में गाड़ कर कोई नया चमत्कार दिखाने का इरादा है क्या? नहीं, ये इस धरती पर जन्म लेने का प्रायश्चित है। इंसान कितना ही अपने आप को पापों से बचा कर रखे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पांव दलदल में फंस ही जाते हैं। पाप और आप योगीराज, ये दुनिया भी दलदल भोगियों के लिए बनी है, योगियों के लिए नहीं। अपने कर्मों का फल हर इंसान को भोगना ही पड़ता है, चाहे वो भोगी हो या योगी। मुझे यहां तक ढूंढने का कारण एक लड़की की अजीबोगरीब मौत। जिंदगी और मौत कुदरत के हाथ में है, इंसान का इसमें कोई दखल नहीं। कानून भी गैर कुदरती मौतों की वजह तलाश करता है योगीराज, कुदरती मौतों की नहीं। मरने वाली लड़की आपके शो में आई थी। मेरे शो में तो सैकड़ों लोग आते हैं। लेकिन सुना है कि वो लड़की खासकर आपके लिए पागल थी। पागलपन का तो कोई इलाज नहीं, लेकिन उसकी वजह जरूर होती है। हो सकती है। आप तो योगी हैं, क्या बता सकते हैं इस लड़की की मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? एक मासूम आत्मा जिसे प्यार करने के जुर्म में जुल्म की चक्की में पीस दिया गया। अब वो आदमी दुनिया को वही लौटा रहा है जो दुनिया ने उसको दिया। कौन हो सकता है वो? इस दुनिया में जुल्म के मारे हुए हजारों लाखों अनगिनत लोग हैं, किस किस को ढूंढोगे?
दवा मिली है। मेरे बच्चे की टांग को लकवा मार गया है, कोई भी इलाज काम नहीं आ रहा। आप इसे अच्छा कर दीजिए, मैं आपका ये एहसान जन्म जन्म नहीं भूलूंगी। इस बच्चे को ठीक करने का बस एक ही उपाय है। क्या महाराज? इसे ईश्वर के नाम हमें समर्पण कर दीजिए। इस घड़ी के बाद ये बच्चा आपका है। आप सिर्फ एक बार मेरे बच्चे को दो पैरों पर चला दीजिए। जो इच्छा गुरु की। आओ बच्चे, आप अपनी जगह पे जाकर बैठ जाइए। बोलो बच्चे, गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम। जादू दिखाइए। रो ट्रिक दिखाइए योगी महाराज, आज तक सुनी है मगर देखी नहीं। से कोई ऐसा दिल वाला है जो इस रस्से पे चढ़े? उठिए, आइए। आओ बच्चे आओ, अब गुरु ओम जपो और इस रस्से पे चढ़ जाओ। बच्चे को हमें अर्पण कर दिया था, वो मरा नहीं देवी, हम में समा गया है। नहीं, 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 नहीं। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मुझे मेरा। माँ, 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 माँ
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप धन्यवाद देने आई हैं? आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरी जिंदगी में इतनी खुशी कभी ना थी। विश्वास कीजिए, इसके लिए मेरी आत्मा, मेरे शरीर का रोम रोम आपका आभारी है। सच? हेलो ऑफिसर। हाय योगीराज। इतनी रात गए मेरे घर में पुलिस? रात में तो सिर्फ दो ही आदमी काम करते हैं योगीराज, एक चोर और एक पुलिस। तकलीफ की माफी चाहता हूं, आपके नाम ये सर्च वारंट। जब घर में आए गए थे तो तलाशी भी ले ली होती? बात कानून के खिलाफ चली जाती। घर की चाबियां? चाबियों की जरूरत वहां पड़ती है ऑफिसर, जिस घर में ताले लगे हों। सारा घर खुला पड़ा है। गो अहेड इंस्पेक्टर। यस सर। लाभ सिंह सर, तुम उस तरफ जाओ। ये घर है या मौत का कुआं? नमस्ते पिताजी। ये हमारे पिताजी तो नहीं हो सकते, हमारे पिताजी तो जला दिए गए थे। खैर छोड़ो जी, बाप बाप होता है, पावे गधे का होए। नमस्ते पिताजी। एक ये चोर पकड़ा गया। हर स्मगलर के घर से खजाना मूर्ति के नीचे से मिलता है। माफ करना शंकर भगवान, खाक दर खाक, श्री भाई गुरुद नापाक। एक खालसार लाल सिंह आपकी तलाशी लेना चाहता है, अगर आज्ञा हो तो आरंभ करा महाराज। सर यहां कुछ भी नहीं मिला। तुम जा सकते हो। योगीराज, आज के शो में आप एक हार पहने हुए थे, कहां है वो? इतनी छोटी चीज के लिए इतनी बड़ी जहमत उठाई आपने। ये तो हमारा ही है। आपको पूरा यकीन है? 100%। लेकिन ये आपको मिला कहां से? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कपूर साहब। ये बताइए कि आपने हार किससे खरीदा? जानकी भाई ज्वेलर्स के यहां से। कितने में? 2.5 लाख रुपए में। शुक्रिया कपूर साहब, जरूरत पड़ी तो फिर हाजिर होऊंगा।
कितने का हार बताया आपने? 2.5 लाख रुपए का। माफ करना, ये हार तो 250 रुपए का भी नहीं है। आप यकीन से कह रहे हैं? हीरे जवाहरात की कीमतें परसते परसते जान की दास जौहरी की आंखें चली गईं। ये हार नकली है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। हुक्म के मुताबिक हो गया? यस मास्टर। ये बैग उस टेबल पर रख दो और शंकर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हो जाओ। यस मास्टर। सबन की आग में क्या तुम्हें भी वही नजर आ रहा है जो मैं देख रहा हूं? यस मास्टर। एक छोटा लड़का और लड़की। कुछ याद आया? कुछ नहीं। पलट जाओ। मैंने तुम्हें पाई लिया कीर्ति, मैंने तुम्हें पाई लिया। तुम नहीं जानती कीर्ति,
तुम्हारे लिए मेरी आत्मा कितने सालों से भटक रही थी, तुम्हारे बगैर जिंदगी का एक एक पल ऐसे गुजरा है जैसे सदियां गुजर गई हों, हजारों साल बीत गए हों। लेकिन कीर्ति, अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। यस मास्टर। कीर्ति, कीर्ति, कुछ याद पड़ा कीर्ति? मैं वही हूँ कीर्ति, वही कृष्णा, तुम्हारे बचपन का साथी। याद आया? नहीं मास्टर। मेरी तरफ देखो कीर्ति, होश में आ जाओ। योगी, आप, मैं कहाँ हूं? मैं तो अपने कमरे में सोई हुई थी। मैं यहां कैसे आ गई? ठहरो, मैंने तुम्हें अपनी योग शक्ति से यहां बुलाया था। तुम अपने कमरे से उठी, तुमने चोरी की और खुद ब खुद गाड़ी चलाकर यहां चली आई। लेकिन मेरे कपड़े कैसे फटे? मैंने फाड़े थे। क्यों? तुम्हारे बदन पर चांद ग्रहण का निशान देखने के लिए। इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, और बहुत गहरा ताल्लुक है। सुन सकोगी? अब याद आया तुम्हें? पहचाना कि मैं कौन हूं? हाँ, तुम मेरे बचपन के खेले हुए साथी कृष्णा हो। मेरे डैडी ने तुम पे बहुत जुल्म किए हैं, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है योगी। कीर्ति, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, मैं इन बातों से बहुत ऊपर हूं। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। कीर्ति, तुम्हारा प्यार एक ऐसा अमृत है जो मेरे रिश्ते हुए जख्मों को भर सकता है, मेरी जलती हुई आत्मा को शांति दे सकता है। कीर्ति, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। कीर्ति, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे हाथ मत लगाओ योगी, मुझे हाथ मत लगाओ। मेरा प्यार किसी और की अमानत है योगी। कल मैं राजेश की मंगेतर बनने वाली हूँ। तुम्हारे प्यार पर सिवाय मेरे और किसी का हक नहीं। मेरे जीते जी तुम किसी और की नहीं बन सकती। मैं बेबस हूँ योगी, मैं मजबूर हूँ। मेरे प्यार ने मेरे हाथ बांध दिए। और मेरा प्यार कोई बंधन नहीं जानता। ये एक ऐसा तूफान है जो भी इसके रास्ते में आएगा तबाह बर्बाद हो जाएगा। मुझे तुम्हारा ये रूप देखकर डर लगने लगा है योगी। मुझे जाने दो योगी, मुझे जाने दो। जाना चाहती हो, लेकिन एक बात याद रखो, जो कुछ भी तुमने सुना है, जो कुछ देखा है, वो सब भूल जाओगी। और जब जब मैं तुम्हें पुकारूंगा, तुम्हें आना होगा। जाओ। ठहरो।
जी करो लो बेटे आइए जरा जलपान हो जाए आइए आइए खुश बहुत खुश इस खुशी में मैं भी बिन बुलाए शामिल हो गया मेरी तरफ से ये नाजुक सा तोहफा स्वीकार कीजिए शुक्रिया आपने तो वाकई कमाल कर दिया दत्त साहब आप जैसे महान योगियों के दर्शन तो वैसे ही मुश्किल होते हैं आपने यहाँ आने की कृपा कैसे की दिल को दिल से राह होती है जरूर किसी ने मन की गहराइयों से पुकारा होगा और फिर ऐसे शुभ मौके पर कौन आना नहीं चाहेगा खैर ये आपका बड़पन है दत्त साहब वरना आजकल के जमाने में बुलाने से भी कोई नहीं आता आरती इन्हें अपने डैडी से नहीं मिलाओगी तुम मिला दो ना अरे मंगनी सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है और फिर ऐसे खास मेहमान का स्वागत खास तरीके से होना चाहिए क्या ख्याल है ले जाओ आइए इनसे मिलिए यही है वो महान योगी जिन्होंने मेरे दिमाग से पानी का डर निकाला था आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई धन्यवाद आप लोग बातें कीजिए मैं जरा मेहमानों को देखती हूँ आपकी बेटी का बचपन में नाम कीर्ति था ना हाँ लेकिन आपको कैसे मालूम मेरी नजर से कुछ छुपा नहीं है पंडितों ने आपसे कहा कि कीर्ति नाम बड़ा मनहूस है और आपने बदल कर आरती रख दिया बिल्कुल ठीक कहा आपने खैर मेरी बेटी के दिमाग से पानी का डर निकालकर आपने बहुत बड़ा एहसान किया है वरना बेचारी सारी जिंदगी सहमी सहमी सी रहती बाप होने के नाते अपनी औलाद का ये गम शायद मैं ज्यादा दिन बर्दाश्त न कर पाता ठीक कहते हैं आप इस दुनिया में माँ बाप के लिए औलाद से बढ़कर प्यारी चीज और क्या हो सकती है जब जब औलाद को दुख पहुंचता है माँ बाप के दिल पर गहरी ठेस लगती है और कई बार तो इसी गम में घुल घुल कर वो पागल हो जाते हैं अपनी जान दे देते हैं लगता है आपने इस गम को बड़े करीब से देखा है बड़ी ही शिद्दत से महसूस किया है खैर छोड़िए ऐसे खुशी के मौके पे गम की बातें क्यों कल शाम के लिए मैं आप दोनों को दावत देना चाहूंगा स्वीकार करेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं बड़ी खुशी से लेकिन राजेश लेकिन क्या आरती दत्त साहब हमारे यहाँ बिन बुलाया है और हम इनके यहाँ बुलाने भी न जाए बड़ी अजीब बात होगी इट्स अ प्लेजर मिस्टर दत्त धन्यवाद आप सिर्फ महान योगी ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े कलाकार का दिल भी रखते हैं राजेश साहब ले दे के एक दिल ही तो रखते हैं और क्या है हमारे पास तो फिर चलिए इस खुशी के मौके पे कुछ हो जाए आपके दिल की बात सुनाऊं या अपने दिल की मजा तो तब है कि बात एक ही हो हमारे दिल की भी और आपके दिल की भी चाहे आज मुझे ना पसंद करूं चाहे द्वार हृदय के बंद
सिर्फ मेरे या अपने दिल की नहीं बल्कि हर दिल की बात कह दी। खैर छोड़िए दिल की बातों को, आइए आपको योग शक्ति का एक छोटा सा चमत्कार दिखाऊं। चलिए, और आरती जी आइए। ये नाग देख रहे हैं आप, ये तक्षक वंश से ताल्लुक रखता है। इसका काटा पानी नहीं मांगता। पहुंच चुका है, लेकिन मैंने अपनी योग शक्ति से इसे वहीं रोक दिया है। अब मैं अपने शरीर से इस जहर को निकाल दूंगा। ओम नमः शिवाय। ओ,
राजेश, राजेश मुझे ऐसे ले चलो राजेश, मेरा दम घुटने लगा है, मुझे ले चलो राजेश, राजेश अभी चलो। सॉरी योगीराज, डिनर फिर कभी सही। गुड नाइट। चलो राजेश, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे पाना चाहते हो, तो मुझे दोबारा यहाँ कभी मत लाना। तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो? नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम सच कह रही हो तो फिर मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। ये आदमी तुमसे प्यार करता है और तुम्हें पाना चाहता है, और इस आदमी का तुम्हारे माजी से बहुत गहरा ताल्लुक है। मुझ पर विश्वास करो राजेश, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। या तुम्हें मालूम नहीं या तुम मुझे बताना नहीं चाहती। तुम क्या समझती हो कि मैं योगी दत्त के यहाँ सांप का तमाशा देखने आया था? आरती, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और बहुत दिनों से मेरी नजर इस आदमी पे है। अगर तुम यहाँ पहले कभी नहीं आई, क्या तुम्हें इस बात से भी इनकार है कि तुम्हारी पीठ की बाएं तरफ एक काला निशान है? तुम्हें कैसे मालूम? मुझे इसलिए मालूम है कि इस निशान की तलाश में इसने आज तक 7 मासूम लड़कियों की जानें दी हैं, और तुम इसलिए जिंदा हो कि ये तुमसे प्यार करता है। मुझे बचा लो राजेश, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ऐसा लगता है जैसे योगी दत्त की आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह मेरे जिस्म और रूह की गहराइयों में उतर गई हो। न दिन को चैन मिलता है और न रात को आराम। 24 घंटे एक ही नाम दिमाग में घूमता रहता है, योगी दत्त, योगी दत्त। मैं क्या करूं राजेश, मैं क्या करूं? आपके कहने के मुताबिक ट्रांसमीटर को मैंने लॉकेट में फिट कर दिया है। अब ये हार जहाँ भी रहेगा उसके आसपास के इलाके में अगर कोई सांस भी लेगा तो उसकी आवाज बड़ी आसानी से सुनाई देगी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सिकरे। कीर्ति, कितने इंतजार के बाद आज ये घड़ी आई है। इस घड़ी को करीब लाने के लिए मैं कितना तड़पा हूँ, कितने दुख उठाए हैं मैंने, और मैं चाहता हूँ ये घड़ी कभी खत्म न हो। मैं भी यही चाहती हूँ। आज से हमारा एक नया जीवन शुरू होता है जिसमें खुशियों और रोशनी के सिवा कुछ नहीं होगा। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू योगी। योगी नहीं, कृष्णा कहो। आज तुम्हारे सामने एक योगी नहीं बल्कि एक प्रेमी बैठा है। तुम ठीक कह रहे हो कृष्णा। मैं भी जब से तुमसे मिली हूँ बचपन की यादें फिर से ताजा हो गई हैं। 24 घंटे एक बेचैनी सी छाई रहती है। ये बेचैनी इसलिए है कि दो आत्माएं आपस में मिलने के लिए तड़प रही हैं। इनका मिलन होते ही ये बेचैनी दूर हो जाएगी। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है कृष्णा। आज अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम्हें पाने के लिए न जाने क्या कर बैठती। और मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कितने पाप किए हैं मैंने, कितनी लड़कियों की जाने ली हैं। वो कैसे? हर वो लड़की जिसने मेरी जिंदगी में आने की कोशिश की, मैंने उसे कीर्ति समझकर अपने पास बुलाया, और जब देखा कि वो तुम नहीं हो तो मैंने उनकी पीठ पर निशान देकर उन लड़कियों को अपनी योग शक्ति से हमेशा के लिए खत्म कर दिया, ताकि शायद एक दिन इन निशानों का सिलसिला तुम तक जा पहुंचे और तुम्हें मेरी याद आ जाए। तुमने मुझे पाने के लिए इतने खून किए, इतनी मासूम लड़कियों की जाने ली। हाँ कीर्ति, मैंने बड़े पाप किए हैं, और अगर तुम मुझे ना मिलती तो ये खून की होली कभी खत्म ना होती।
अब ये होली पूरी हो चुकी है योगी राज। अब इस त्योहार की खुशियां फांसी के तख्ते पे लटकते हुए मनाना, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। ये खेल मैंने ही शुरू किया था अफसर, और इसे मैं ही खत्म करूंगा। जब तक मुजरिम धर नहीं लिया जाता, वो अपने आप को कानून से ऊपर समझता है। तुम्हारा बयान रिकॉर्ड हो चुका है, जिसकी बिना पे मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। ये गाड़ी पुलिस स्टेशन तक पहुंचेगी? गाड़ी भी पहुंचेगी योगी राज, और साथ साथ तुम भी। मुझे तो अपनी मंजिल का पता है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कहां जा रहे हो। हम जहां भी जा रहे हैं योगी राज, इकट्ठे ही जा रहे हैं। अब तुम्हारा कोई चमत्कार काम आने वाला नहीं। सच? सच। राजेश को मार डाला, तुमने मेरे राजेश को मार डाला। क्या बिगाड़ा था उसने, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इस दुर्घटना के जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारे किए की सजा वो भोग रहा है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। बेटी, बेटी क्या हुआ? बेटी, बेटी क्या हुआ? क्या हुआ? पापा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। पापा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बेटी, आखिर हुआ क्या? मुझे पाने के लिए योगी ने राजेश की जान ले ली, उसे गाड़ी समेत समंदर में डुबा दिया। क्या? जिस आदमी ने मेरी बेटी की खुशियां छीनी है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया? कितने पाप किए हैं मैंने, कितनी लड़कियों की जाने ली हैं। आइए ठाकुर साहब, आप ही का इंतजार था। कहिए, क्या सेवा करूं आपकी? तुम जैसा ढोंगी मेरी क्या सेवा कर सकता है? मेरी बेटी के दिमाग से पानी का डर निकालने का एक छोटा सा एहसान करके तुम उसकी सारी जिंदगी खुशियत। नहीं ठाकुर, नहीं। मैं अपनी जिंदगी की सारी खुशियों की आहुति देकर तुम्हारी बेटी को अपनाना चाहता हूं। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं तुम्हारा ही नापाक इरादा कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें यही ढेर कर दूंगा।
अपना ये आखिरी वलवला भी पूरा करके देख लो ठाकुर। क्यों, गोलियां चाहिए? डर गए ठाकुर शेर सिंह? कौन हो तुम? कौन हो तुम? किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? बदला तो इसी जन्म का लेना है ठाकुर। आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया मैंने? देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान शंकर की मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ। आओ, देखो कुछ दिखाई दिया? हाँ। क्या? एक लड़का भाग रहा है और मैं उसे मार रहा हूं। तुम उस लड़के को किस चीज से मार रहे हो? मैं उसे हंटर मार रहा हूं। और वो लड़का क्या कर रहा है? तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, मुझसे रहम की भीख मांग रहा है। अब वो पीछे हट रहा है, पीछे हट रहा है। वो अचानक चीख मारकर दरिया में जा गिरा है। लेकिन उस मासूम लड़के की चीख तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची ठाकुर। वो बदनसीब लड़का मैं हूं। तुम्हारे दिए हुए कौड़ों के निशान आज भी मेरे जिस्म पर कायम है। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर रह गए हैं। ये तो सिर्फ तुम्हारे जुल्म की शुरुआत थी ठाकुर, इंतहा नहीं। आगे देखो, बोलो अब क्या देख रहे हो? एक कमजोर और बीमार मां। किस हाल में है वो? वो अपने बच्चे की जुदाई में तड़प रही है, बिलक रही है। अब अचानक उसने आंखें बंद कर ली। वो बदनसीब मां मेरी मां थी ठाकुर, हर गरीब मजबूर और लाचार बच्चे की मां। लेकिन तुम्हारे जुल्म का ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। आगे और देखो और बोलो। एक पागल बुड्ढा है। बच्चे उसे पत्थर मार रहे हैं। वो बुड्ढा भागा भागा तुम्हारे पास आता है और तुमसे निपट जाता है। कृष्ण 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 तुम्हारी बाहों में दम तोड़ देता है। वो बूढ़ा आदमी मेरा बाप था ठाकुर, जो मरते दम तक अपने बेटे का चेहरा हर चेहरे में तलाश करता रहा और उसी तलाश में तड़प तड़प कर उसने मेरी बाहों में अपना दम तोड़ दिया। ये तो सिर्फ एक गरीब घर की कहानी है ठाकुर, लेकिन तुम जैसे चंडाल अमीरों ने अपनी दौलत के घमंड में न जाने आज तक कितने घरों को तबाह किया है, कितनी माओं के दिल तोड़े हैं और मेरे देवता समान कितने बापों को पागल किया। मुझे अपने हर गुनाह का एतराफ है।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? नहीं, हरगिज नहीं। तुमने मेरी माँ को तबाह किया, मेरे बाप को तबाह किया, मेरे प्यार को तबाह किया। तुमने मुझ जैसे मासूम बच्चे को एक इंसान से दरिंदा बना दिया। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि जमाना दुहाई बोल जाए। तुम अपने ही गुनाहों की आग में जलते रहोगे, दीवारों से सर फोड़ोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। तुम्हारी जिंदगी का एक एक पल मौत से भी ज्यादा बदतर होगा। नहीं, मुझे इतनी भयानक सजा मत दो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। नहीं ठाकुर, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुम्हें। उठो और जाकर अपना मनहूस चेहरा अपनी बेटी को दिखाओ, ताकि उसे भी पता चले कि एक पागल बाप को तड़पते हुए देखकर औलाद के दिल पर क्या गुजरती है। जाओ। मुझे जिंदा देखकर हैरानी हो रही है तुम्हें? नहीं, तुम्हें जिंदा रहना ही था। अभी ड्रामे का आखिरी पर्दा नहीं गिरा। इस ड्रामे का आखिरी पर्दा तुम्हारी मौत के साथ ही गिरेगा योगीराज। मौत तो मैंने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखी है। मौत को रावण ने भी अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था। जानते हो उसका हशर क्या हुआ था? ऑफिसर, हर युग में राम पैदा नहीं होता। और न ही हर युग में रावण आता है। मैं अगर चाहूं तो अपनी योग शक्ति से तुम्हें यहीं खत्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं। तुमने बतौर एक आशिक हम पे हाथ उठाया है, और हम भी एक आशिक की हैसियत से तुम्हारा मुकाबला करेंगे। किस हैसियत की बात कर रहे हो योगीराज? तुम सिर्फ नाम के योगी हो, तुम्हारा असली रूप चोर और कातिल का है। कानून तुम पर हाथ नहीं डाल सका, लेकिन मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपना ये अरमान भी पूरा करके देख लो।
प्राप्ति हुई है तुम्हारी इच्छा बिना तुम्हें मौत भी नहीं छू सकती। जब जब मैं तुम्हें पुकारूंगा तुम्हें आना होगा। मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता डॉक्टर, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो डॉक्टर, मुझे मर जाने दो, मर जाने दो डॉक्टर। हाल सुनते मेरा
तुझे हमने जिस दम फिर से देखा तुझे हमने जिस दम मर चले थे मगर जी उठे हम बेरुखी से हमें तूने मारा तू है कैसा मसीहा लगानी नदी पार नैया क्यों डुबोई नहीं तू जो नहीं कोई मेरा मेरा कोई नहीं जिंदगी तेरी यादों में कोई फिर भी कोई नहीं जिंदगी तेरी यादों में कोई फिर भी कोई आ गई तुम हाँ योगी और हमेशा के लिए मैं जानता था एक दिन मेरा प्यार तुम्हारा मन जीत लेगा प्यार नहीं योगी तुम्हारा डर तुम्हारा क्रोध तुम्हारी शक्ति कहो प्यार में लोग जान देते हैं लेते नहीं खुद पागल बनते हैं पागल बनाते नहीं क्या हालत की है तुमने मेरे बाप की अपने बाप को पागल देखकर इतना सदमा पहुंचा है तुम्हें एक मैं हूं जो अपने माँ बाप की मौत का गम लिए आज तक जिंदा हूं नफरत का एक ज्वालामुखी अपने सीने में दबाए बैठा हूं इस उम्मीद पर कि शायद तुम्हारे प्यार का एक कतरा इस आग के समंदर को बुझा दे तुम्हारी इस नफरत की आग में कितनी लड़कियां भस्म हो चुकी हैं योगी मेरा बाप पागल हो चुका है मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है तुम चाहो तो ये तबाही और बर्बादी का सिलसिला अब भी खत्म हो सकता है मैं यही सिलसिला खत्म करने आई हुई योगी इस तबाही का असली कारण मैं हूं ये सब झगड़ा मेरी जान के लिए ही है ना नहीं तुम्हारी जान मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज है मैं दुनिया के सारे सुख तुम्हारी झोली में डाल सकता हूं सुख और दुख की हद से मैं बहुत दूर निकल चुकी हूँ योगी तुम्हारा ये प्यार मेरी जिंदगी के लिए एक रोग बन गया है जिस प्यार को तुम रोग समझती हो मेरी जिंदगी के अंधेरों में वही एक हल्की सी रोशनी की किरण है जिसे पाने के लिए मैं देश के कोने कोने में भटकता रहा एक निशाचर की तरह बरसों जागता रहा सिर्फ एक आस दिल में लिए हुए कि जब तुम मुझे मिलोगी मेरी जिंदगी की इस भयानक काली रात का अंत हो जाएगा अंत होगा योगी इस रात का अंत जरूर होगा मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हारा ये नफरत का ज्वालामुखी यूं ही भड़कता रहेगा मासूम लड़कियों की जाने जाती रहेंगी उनके बाप पागल होते रहेंगे नहीं योगी नहीं नहीं मैं इतनी बड़ी तबाही का कारण नहीं बनूंगी मैं नहीं बनूंगी मैं नहीं बनूंगी कीर्ति 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 योगी मुझे पाना चाहते थे ना पालो मेरी मौत के साथ साथ तुम्हारी भयानक काली रात का भी अंत हो जाएगा योगी नहीं कीर्ति नहीं मुझे तुम्हारा शरीर नहीं तुम्हारा प्यार चाहिए था तुम्हारा प्यार कीर्ति और मैं अपने प्यार को अपनी बाहों में दम तोड़ने नहीं दूंगा मेरे जीते जी तुम्हें मौत भी नहीं छू सकती कीर्ति तुम जिंदा रहोगी कीर्ति तुम जिंदा रहोगी तुम जिंदा रहोगी कीर्ति
योगी सांप, योगी सांप, योगी सांप। ठाकुर साहब, कौन? डरने की कोई बात नहीं, मैंने उस दरिंदे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। किसे खत्म कर दिया? योगी को। योगी को? योगी कोई खत्म नहीं कर सकता, योगी कोई नहीं मार सकता, योगी को कोई नहीं मार सकता। ठाकुर साहब, आरती कहाँ है? आरती? आरती कहाँ है? आरती चली गई जहाँ से जाना था। को मौत की चट्टान तक पहुंचाने वाले, आज तो खुद मौत की चट्टान पर खड़ा है, आज तो खुद मौत की चट्टान से नीचे कूदेगा। समंदर की लहरें तुम्हें अपनी आगोश में समेट लेंगी, यही तुम्हारा स्वर्ग होगा, यही तुम्हारी मुक्ति होगी।